छीन करेंगे अपना हक। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करो, लागू करो। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करो, लागू करो। आपके साथ पूजा ठाकुर ओबीसी समाज द्वारा प्रेस क्लब जम्मू में प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार काफी समय से ये 27% के आरक्षण को लेकर जो है काफी बार प्रदर्शन कर चुके हैं। क्या कहेंगे, लगातार इससे पहले भी आप प्रदर्शन कर चुके हैं? बहुत ज्यादा 27% आरक्षण की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में भारत की सबसे बड़ी पार्टी के प्रधानमंत्री बन गए और जम्मू में आकर कहने लगे अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है तो 370 दफा रहते हुए ओबीसी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। हम भी बहुत खुश हुए, कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जो ओबीसी की आवाज़ को समझने वाला है। लेकिन वक्त बीता गया, समय बीता गया, 5 अगस्त 2019 को 370 भी विड्रा हुआ, 35 भी विड्रा हुआ, तो हमारे ओबीसी समाज के लोगों में एक मसरत जागी, खुशी की लहर जागी कि प्रधानमंत्री जी ओबीसी समाज से हैं तो वो ओबीसी का जो कोटा है मंडल बोर्ड को जम्मू कश्मीर में ऐसे तैसे लागू करेंगे जैसे बाकी स्टेटों में है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। 31 अक्टूबर 2019 को स्टेट का ड्यूटी बना दी गई, स्टेट को दो हिस्सों में बांट दिया गया और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था वो नया बना दिया गया। और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को जब बाहर निकाला तो उसमें पेज नंबर 44 एटम नंबर 7 में एक बहुत बड़ा धोखा किया गया हमारे साथ के सारे कानून बदल दिए गए। लेकिन ओबीसी के लिए 1980 का 2004 वाला एक्ट लागू रहा। क्यों? क्या ओबीसी के लोग शहरी नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर के शहरी नहीं है? क्या वो देशद्रोही है? जब आप एक नंबर के झूठे प्रधानमंत्री हो कि जब आपका रीऑर्गेनाइजेशन पार्लियामेंट में पास हुआ तो वो आवाज वो आपको याद नहीं आया? मैंने लोगों के साथ उधर वायदा किया हुआ है। ये सवाल जो है वो जिन नेताओं ने आपको कहा 370 के बाद जो है इम्प्लीमेंट होगा उनसे नहीं उठाया? नहीं हो। आपने क्यों नहीं उठाया? हम तो लगातार उठा रहे हैं, हम तो लगातार 1992 से लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लोग जो कहते थे 370 के बाद जो है वो झूठ बोलते हैं, हम क्या करें? वो झूठ। तिरंगा यात्रा आप कर रहे हैं आज, कहां तक चलेगी तिरंगा यात्रा जो आपकी है? तिरंगा यात्रा हमारी सितंबर में चली और दिसंबर में चली। सितंबर में 4 दिन लगातार हम बाहर रहे और दिसंबर में भी 4 दिन बाहर रहे। अब नवम्बर में जहाँ के LG जो है माननीय श्री सिन्हा साहब ने वायदा किया था कि आपको 15 दिसंबर तक ओबीसी के राइट्स दिए दिए गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी रिपोर्ट बाहर आई है, जो रिपोर्ट कमीशन ने दी है उसका भी कोई पता नहीं। क्या लगता कितना इंतजार करना पड़ेगा? ये तो जब तक हम लड़ते रहेंगे, जब तक हासिल नहीं रहे, हासिल नहीं होगा तब तक लड़ते रहेंगे। तो यहाँ पर आप साफ तौर से देख रहे हैं ओबीसी समाज जो है वो लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और इनका ये कहना है कि 27% इनको आरक्षण जो है वो दिया जाए। अब इसको लेकर कई बार इन्होंने तिरंगा रैली भी निकाली है और फिर से आयोजन करने जा रहे हैं और इनका साफ तौर से कहना है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमारी आवाज़ सुननी पड़ेगी और हमारा मसला हल करना होगा। अगली बड़े का फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।